हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बॉलीवुड फॉर यू में। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि किंग खान के घर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी किसने दी और उसके बाद क्या एक्शन लिया गया है। आपको बताते चलें, किंग खान के घर को उड़ाने वाली न्यूज़ को बहुत ज़्यादा हाइप मिला है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि धमकी देने वाला शख्स आउट ऑफ कंट्री का था और उस शख्स ने मुंबई पुलिस को कॉल करके कहा कि वो शाहरुख खान और मुंबई में कुछ और जगहों पर भी बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है और जब उससे पूछा गया तो आपको बताते चलें दोस्तों, वो एक शख्स शराब पीने वाला शख्स था, यानी कि वो हर रोज़ घर में भी शराब पी के लड़ाई वगैरह करता था। उससे पहले भी उस शख्स ने कॉल्स वगैरह करके मुंबई पुलिस को कहा था कि वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। लेकिन इस बार जब खान के घर का जिक्र आया, खान के घर को बॉम्ब से उड़ाने का कहा, तो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया। आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस शख्स ने ऐसे ही शराब पी के कॉल कर दी थी, जबकि उसके पीछे कोई मेन रीज़न नहीं था। वो शख्स सच में ऐसा नहीं करने वाला था, सिर्फ शराब के नशे में उसने मुंबई पुलिस को कॉल करके ऐसा कहा कि वो शाहरुख खान के घर को बॉम्ब से उड़ाने वाला है, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं था। लेकिन उसका ऐसा कोई भी मकसद नहीं था। इस न्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि बॉलीवुड की हर नई आने वाली खबर आप तक फ़ौरन पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।